हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे अगले कुछ घंटे आपके पर्सन की करंट रूप फीलिंग्स, उनके थॉट्स आपके लिए क्या रहने वाले हैं, अगले कुछ घंटे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं और इस पर्सन के दिल में दिमाग में किस तरह के विचार आपको लेकर आने वाले हैं। ये पर्सन अगले कुछ घंटे आपके लिए क्या महसूस करेंगे, क्या फील करेंगे ये पर्सन आपके लिए। ओके व्यूअर्स, तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है और आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूं कि रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइम वाइज रीडिंग है, सभी जोड़ी एक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं और इस रीडिंग को आप किसी इंसान के बारे में भी सोच कर देख सकते हैं। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं, कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं और जो कार्ड्स हैं वो हैं 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, द चैरियट, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड द एम्परर। ओके, वैसे तो ये रीडिंग सभी जोड़ी एक साइंस के लिए है पर यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट साइन नज़र आ रहे हैं वो हैं मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके बस, तो ये आपके साइन या फिर आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज़ की कि आपका पर्सन अगले कुछ घंटे किस एनर्जी में रहेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 ऑफ कप्स का कार्ड है और साथ ही यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। इन दोनों ही कार्ड्स को देखकर ऐसा लगता है कि आपका पर्सन काफ़ी नेगेटिव है और इस नेगेटिविटी से निकलने के लिए इस पर्सन को आपका साथ चाहिए। ये पर्सन कोशिश करेंगे आपसे मिलने की, बात करने की, इस पर्सन की कोशिश हो सकती है आपसे मिलकर बात करने की, तो कुछ क्लैरिटी इस पर्सन को चाहिए जिसकी वजह से ये पर्सन उदास और परेशान नज़र आ रहे हैं। कोई तो वजह है जो इस पर्सन को इस कदर नेगेटिव रखे हुए है। अगले कुछ घंटे भी ये पर्सन इस नेगेटिविटी में रहेंगे और इस नेगेटिविटी से निकलने का जब विचार इस पर्सन के मन में आएगा तो इस पर्सन को ऐसा महसूस होगा कि आपसे मिलना इस पर्सन के लिए ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी लगेगा इस पर्सन को आपसे मिलना, क्योंकि आपसे मिलकर ये पर्सन हैप्पी और खुश होते हैं और ये हैप्पीनेस और खुशी इस पर्सन को इस वक्त चाहिए। इस पर्सन को ऐसा महसूस होगा कि इस नेगेटिविटी से आप ही इस पर्सन को निकाल सकते हैं। आप काफ़ी खुशमिजाज इंसान हैं, इस पर्सन को हैप्पी रखने में आपने काफ़ी हेल्प की है, तो इस पर्सन को इसके मुश्किल वक्त में आपने काफ़ी सपोर्ट किया है और आगे भी ये पर्सन ऐसा चाहेगा कि इस पर्सन को आपका साथ मिले, आपकी फ्रेंडशिप मिले, किसी भी रूप में ये पर्सन आपके साथ जुड़ा हुआ रहने की कोशिश करेगा। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर 6 ऑफ कप्स के कार्ड में एक पर्सन है जो दूसरे पर्सन से मिलकर काफ़ी हैप्पी और खुश है। इस पर्सन को आप काफ़ी लंबे समय से जानते हैं, ऐसा लग रहा है बहुत पुराना रिश्ता है इस पर्सन के साथ आपका। चाहे ये रिश्ता दोस्ती का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, क्रश ही क्यों ना हो ये पर्सन आपका, या फिर कोई भी आपका एक्स ही क्यों ना हो, पर इस पर्सन के मन में आप अगले कुछ घंटे रहने वाले हैं। ये पर्सन ऐसा महसूस करेंगे कि इस पर्सन को आपसे कुछ शेयर करना है, यानी ये पर्सन ना अपने अंदर चल रहे तूफान को बाहर लाने की कोशिश करेगा, आपसे शेयर करने की कोशिश करेगा। इस पर्सन के जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ये प्रॉब्लम्स आपसे शेयर कर सकते हैं ये चीज़ें यहाँ। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं द चैरियट का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड भी है, अपनी फैमिली को लेकर किसी दुविधा में है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन की फैमिली में आपको लेकर या फिर इस पर्सन को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी परेशान है, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर द चैरियट का कार्ड इस बात की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ झूठ या सच इस पर्सन के सामने आया है या फिर ये पर्सन सामने लाना चाहता है। कुछ ना कुछ तो ऐसा इस पर्सन के जीवन में है जिसकी वजह से ये परेशानी में नज़र आ रहा है पर्सन। और 5 ऑफ कप्स में आप देख सकते हैं काफ़ी नेगेटिव है ये पर्सन। अगले कुछ घंटे ये पर्सन इस नेगेटिविटी से निकलने की कोशिश करेगा। सच और झूठ का बीच की जो ये एक लड़ाई है ना, इस लड़ाई में ये पर्सन फंसा हुआ है और उससे निकलने की कोशिश करेगा। हो सकता है ये पर्सन आपकी हेल्प लेना चाहता हो, इस पर्सन को कुछ क्लैरिटी देना है किसी और को, तो ये पर्सन आपकी हेल्प से उस इंसान को ना कन्विंस कर सकता है, अपनी फैमिली को कन्विंस कर सकता है। इसलिए भी यहाँ पर ये पर्सन ना एक एनर्जी से निकलकर दूसरी एनर्जी में शिफ्ट होने के लिए इस पर्सन को आपकी हेल्प की ज़रूरत है और ये चाहता है एक नेगेटिव एनर्जी से निकलकर पॉजिटिव एनर्जी में आना और जो कुछ भी सिचुएशन बनी हुई है इस सिचुएशन को इम्प्रूव करना। तो यहाँ पर इस पर्सन के मन में बार बार ये थाट्स आ रहे हैं और अगले कुछ घंटे भी इस पर्सन के मन में ये थाट्स आएंगे कि आप इस पर्सन की हेल्प कर सकते हैं, तो इस पर्सन को इस वक्त आपकी हेल्प की ज़रूरत है।
और इसलिए इस पर्सन की निगाहें आप पर टिकी रहेंगी, चाहे इस पर्सन की हेल्प आप किसी भी तरह से करते रहे हों, आगे भी इस पर्सन को आपकी हेल्प की ज़रूरत है ऐसा लग रहा है। और अभी अगर आपसे इस पर्सन ने कांटेक्ट नहीं किया है, बात नहीं की है, किसी भी प्रॉब्लम को शेयर नहीं किया है, तो अगले कुछ घंटे ये पर्सन कर सकता है। इस एनर्जी में ये पर्सन नज़र आ रहे हैं और साथ ही यहाँ देख सकते हैं पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है, तो इस पर्सन की वजह से ही कुछ प्रॉब्लम है, इस पर्सन के गुस्से की वजह से, इस पर्सन के दिल में दिमाग में जिस तरह के थॉट्स आपको लेकर हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने काफ़ी गुस्से में आकर कि आपसे कुछ भी बोला है ना, तो शायद ये पर्सन उसको भी क्लियर करने का सोच रहा है। यहाँ पर ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद में ही रहता है, काफ़ी घमंडी किस्म का इंसान है। ये पर्सन ना बिना सोचे समझे बहुत सारे ऐसे काम भी कर बैठते हैं जिसको लेकर बाद में पछताते भी हैं। तो ये पर्सन अगर आपसे प्यार करते हैं तो आप पर गुस्सा भी करते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन प्यार करने का हक रखते हैं तो गुस्सा करने का भी, पर इस बार इस पर्सन ने इस कदर आप पर गुस्सा किया है, शायद आप इस पर्सन से रूठ गए हैं या फिर इस पर्सन की फैमिली इस पर्सन से रूठ गई है, तो इसलिए ये पर्सन नेगेटिव है और अब ये पर्सन पछता रहे हैं। ये पछतावा ही है जो ये इस पर्सन में इस वक्त नज़र आ रहा है और अगले कुछ घंटे भी ये पर्सन पछतावे की एनर्जी में रहेंगे। और इस पर्सन को कुछ स्पिरिचुअली भी कुछ ना कुछ साइन मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना पास में अगर इमेच्योर बिहेवियर रखते थे तो अब काफ़ी मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को देखने की समझने की कोशिश करेगा। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर ये पर्सन या तो आपसे एज में कम या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि द एम्परर का कार्ड भी है, तो यहाँ पर कोई पर्सन एज में छोटा है और एक पर्सन है जो काफ़ी मेच्योर है, समझदार है, दुनिया देख चुका है, तो यहाँ पर ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन भी है आप दोनों की ज़िंदगी में जो आप दोनों को कंट्रोल करके रखता है, और ये कंट्रोलिंग नेचर की वजह से ये पर्सन काफ़ी परेशान है, तो अपना हाल दिल ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं। अगले कुछ घंटे ये पर्सन पूरी कोशिश करेगा कि ये पर्सन अपने दिल का हाल आपको बता सके, कुछ ऐसा है जो ये पर्सन शेयर करने का लंबे समय से सोच रहा है, तो हो सकता है ये पर्सन अगले कुछ घंटे आपसे कुछ शेयर करने में कामयाब रहें, आपसे मिलने में कामयाब रहें, आपको कुछ क्लैरिटी देने में कामयाब रहे। और जिस सच और झूठ की लड़ाई ये पर्सन लड़ता हुआ नज़र आ रहा है, इस पर्सन की जीत हो ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा पर्सन भी है जो इस पर्सन को अपने ही बताए हुए रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहा है, इस पर्सन को वलकलाने की कोशिश कर रहा है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है इस पर्सन के जीवन में जो कन्फ्यूज़न इस पर्सन के दिल दिमाग में नज़र भी आ रहा है, तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो इस पर्सन के मन में है, ये पर्सन अपने ही मन में छुपाए हुए हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दुविधा है इस पर्सन के जीवन की जो ये पर्सन आपसे मिलकर बात करके क्लियर करेगा। यहाँ पर कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र भी आ रहा है। ओके वर्स, तो अगले कुछ घंटे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स यही रहने वाली हैं, इस तरह के विचार इस पर्सन के मन में आएंगे आपको लेकर, स्थिति को लेकर कुछ क्लैरिटी आपको दे सकता है ये पर्सन। ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएं। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।